This is Saint Gugalmal and his servant Ramu. Saint Gugalmal is a rich and successful entrepreneur in the valley. He was an early investor in Google, Tesla, and other companies, and he made lots of money. He is inspired by Elon Musk's SpaceX project. Rockets to go to the outer space. As a child, he had heard about Pushpak Viman, or flying chariots, for air travel as mentioned in Indian mythology. He dreams of traveling to paradise, and he's doing research on his iPad. His research reveals that Sukhdev related a story to Raja Parikshit, and Raja got liberation on the seventh day of puja. A Pushpak Viman, or flying chariot, came to take him to the paradise. An idea comes to his mind. Why not he also performs such a puja and go to paradise? अरे रामो रिसेंटली जरा वो हिंदू टेंपल जाना और पंडित जी को बुला ला, पूजा करनी है। अभी बुला दिया। हाँ जी। पंडित जी राम राम। राम राम। क्या चल रहा पंडित जी? ओ रामू, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम पंडित। कैसे आना हुआ? सेठ जी बुला रहे, बहुत जरूरी काम है आपको। मैं इस जजमान की टेस्ला की पूजा कर रहा हूँ मैं। आजकल सब लोग ने टेस्ला ले रखी है ना। आप गाड़ी की भी पूजा करते पंडित जी? आप दीस डेज आप बिकम ऑटो पुजारी। क्या बात है पंडित भाई, तुमने भी नई टेस्ला ली है क्या? क्या बात कर रहे पंडित जी, मैं टेस्ला ले सकता हूँ तो रामू होता क्या? ये बात। चलो चलो पंडित जी बुला रहे थे। जजमान राम राम। राम राम पंडित जी, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हैं। कैसे याद किया हमें? बैठिए बैठिए, आइए। पंडित जी। हाँ जी। जब मैं छोटा सा बच्चा था, तब से मैं ये स्पेस ट्रैवल के सपने देख रहा हूँ। मुझे स्पेस ट्रैवल का बहुत शौक है, और मैं सोच रहा था अभी तो इलॉन मस्क ने वो स्पेस एक्स प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। अच्छा। लेकिन मैं इस पर रिसर्च कर रहा था और मुझे पता चला कि एक राजा परीक्षित थे। अच्छा। एंड उन्होंने एक पूजा की, और पूजा बहुत दिल दिमाग से और दिलोजान से थी और विधि पूर्वक थी, और फिर एक स्पेसशिप आया जो उनको स्वर्ग ले गया, पैराडाइज। आपका मतलब पुष्पक विमान से होगा? हाँ, पुष्पक विमान, फ्लाइंग सॉसर कहो आप, स्पेसशिप कहो, वो वही बात है। तो मैं भी वही करना चाहता हूँ। मुझे लिबरेट होना है और मुझे पैराडाइज जाना है। तो आप बताइए कि क्या करना पड़ेगा, पूजा वगैरह करनी पड़ेगी, तो कितना खर्चा आएगा और कितना टाइम लगेगा? देखिए सेठ जी, दिस इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। इसमें पूरी विधि विधान से पूजा करनी पड़ेगी। अच्छा। बहुत मेहनत पड़ेगी। और 7 हफ्ते की पूजा है ये? 7 हफ्ते? इम्पॉसिबल, ये तो बहुत लंबा है। जजमान बैठ जाए, बैठ जाए। देखो पंडित जी, हम कोई शॉर्टकट नहीं ले सकते? आप 7 दिन में निपटा दीजिए ना। 7 दिन? मैं
मैं सारी पूजा विधि विधान से करता हूँ, ऐसे शॉर्टकट के काम नहीं करता मैं। नहीं नहीं ऐसा करिए, तो ऐसा करते हैं हम 7 दिन ट्राई करते हैं, अगर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर कुछ और करेंगे। आप ट्रायल पीरियड जा रहे हैं? हाँ हाँ वही बेटा टेस्टिंग समझ लो आप। अच्छा चलिए कल से शुरुआत करते हैं। अजी कल से क्यों, नहीं काम में देरी क्यों, रामू ने सब सामान ला कर रखा है, आज से पूजा शुरू कर। वाह रामू वाह, चलो आइए बैठिए। The puja went on for 7 days. On the 7th day, जजमान उठी है, तो हम भी खेलते हैं। जजमान 7 दिन संपन्न हुए, आज रात आपका पुष्प भ्रमण आ जाना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर पंडित जी। धन्यवाद, मेरी दक्षिणा। ओ दक्षिणा भी। थैंक यू। अच्छा कपड़े रामू पहुंचा देगा। ओके आई टेक योर लीव। आई पंडित जी आप इंग्लिश भी बोलते हैं पंडित जी? अब पूजा खत्म हुई, अब रात होने वाली है, रात भर इंतजार करना पड़ेगा पुष्प प्रमाण के लिए। The seventh night passes. अभी तक नहीं आया। इतनी देर तो यूनाइटेड की भी फ्लाइट डिले नहीं होती। थक गया यार। The seventh night passes, but no sign of Pushpa Vihar. A new morning comes. तो 7 बज गए और पुष्प विमान का कोई साइन नहीं। ओह माय गॉड, वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। रामो शेठ जी, पंडित जी को बुला के लाओ। बिल्कुल अभी लेके आते हैं जी। पंडित जी शेठ जी बुला रहे, बहुत खराब। $1,000 भी गए, इतना टाइम बर्बाद हुआ, कोई रिजल्ट नहीं। जजमान राम राम, कैसे याद किया? राम राम पंडित जी, आपने तो पूजा करवाई और पुष्पक विमान कहाँ है? देखिए मैंने आपको पहले ही कहा था, 7 हफ्ते की पूजा कराइए तब पुष्पक विमान आएगा। सो तो है, सो तो आपने कहा था, आप ठीक कह रहे हैं। तो अब क्या किया जाए आप बताइए। देखिए मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, लेट्स डू अनदर 7 वीक्स ऑफ पूजा। 7 weeks again now. Yes, but this will require more effort, more money, and you have to give me new clothes, and you have to wear new clothes. And okay. अगर आपकी दया रही तो रामू को भी कुछ नए कपड़े दे देना। हाँ जरूर जरूर। तो मेरे को सोचने दीजिए जरा। हाँ 1,000 तो पहले पंडित ले गया और इतने कपड़े ले गया, तो अगर 7 weeks करवाऊँ, that would be $7,000
लेकिन इलॉन मस्क का प्रोजेक्ट में तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग रहे हैं. इट्स नॉट अ बैड डील, राइट? राइट? 7000 फॉर स्वर्ग. पंडित जी. हाँ जी. मुझे मंजूर है एक शर्त पर. बस आप अपनी दक्षिणा में थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए. नहीं 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 नहीं, मैंने जो मांगा है वो आपको देना ही पड़ेगा, else you will not get any success. ओहो, कहाँ फंस गए. चलो ठीक है, चलिए चलिए शुरुआत करते हैं. आओ रामू, आओ. उठिए जजमान, उठिए. आज 7 हफ्ते भी पूरे हुए. अच्छा, आज रात आपका पुष्प विमान आ जाना चाहिए. मुझे भी लग रहा है 7000 साथी, तो इतनी मुश्किल की एक हफ्ते हफ्ते मेहनत की हुई है, तो दिल दिलो जान से किए तो रिजल्ट आएगा. हाँ जी, चलिए चलिए. अच्छा, पिछली बार मैं यहाँ पिछले इसलिए आपकी बार मैं कोई कमी नहीं रखना चाहता अपनी भावना में. डिस्काउंट तो नहीं मिले? नहीं नहीं नहीं, डिस्काउंट में पूरे पैसे हैं, बल्कि $1 और ज्यादा दे दिया. गूगल मल फिनिश्ड हिज 7 वीक्स पूजा एंड एंग्शियसली वेटिंग फॉर पुष्पक विमान टू कम टू टेक हिम टू पैराडाइज, बट हिज विश did not come true. Now he was very, very mad. इतना खर्च हुआ, इतना टाइम लग गया, पूरी रात भी गई. कहाँ है पुष्पक विमान? रामू. जी सर जी. वो पंडित को बुला के लाओ. अच्छा, अभी बम्मा साहब अभी बुला रहे हैं. अच्छा, पंडित राम राम, रहने दो. धोखा, बहुत बड़ा धोखा किया आपने मुझे. मैंने? यू बिट्रेड मी. यू सेड कि अगर 7 वीक में पूजा करूं तो सब ठीक हो जाएगा. आई वॉन्ट माई मनी बैक. आई विल टेक यू टू द कोर्ट. शांत हो जाइए सेठ जी, शांत हो जाइए. आप इतना गुस्सा नहीं हुई है. क्यों क्यों आपके क्यों क्यों तुम्हारे 7000 लगे हैं, तुम्हारे 7000 लगे हैं इसमें. मेरा पैसा लगा है, मेरा टाइम लगा है. देखिए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं. अच्छा, मैंने भी पूरी विधि विधान से पूजा करी. हाँ, वो तो की है. और आपने भी पूरे दिल और जान इस पूजा में लगाया. हाँ, लगाया तो है. तो फिर तो अब क्या किया जाए? हाँ, I have a suggestion. Let's call Guruji. He's a very wise and learned man. अच्छा. And he will be able to resolve our problem. And don't worry, I will get there for you. Okay. ठीक है ठीक है ठीक है. चलिए. अब ये महाज्ञानी कौन है और वो पता नहीं कितना पैसा लेंगे. सब लूटने के लिए बैठे हैं गूगल मलकों का. सेठ जी, राम राम. राम राम. ये महाज्ञानी जी है. गुरुजी, देखिए, मुझे अपने आप को लिबरेट करने का प्रोजेक्ट था और इनके कहने पर मैंने 7 हफ्ते लगाए, $7000 खर्च किए, विधि विधान से दिल से मैंने पूजा की, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं, कोई पुष्पक विमान नहीं आया,
अब मैं क्या करूँ आप बताइए। और मैं पक्का बोलूँगा कि इन्होंने पूरी तरह से इनको दिलो जान लगा के अपनी मेहनत करी पूजा में, पैसे भी खर्च किए, प्रसाद भी बनाए और मुझे नए कपड़े भी दिए, लेकिन फिर भी मुझ पर कुमार नहीं आया। काइंडली सजेस्ट, काइंडली एडवाइस। रामो जी, गुरु जी घर में रस्सियाँ हैं? जी हैं गुरु। दो रस्सियाँ जोर से बोलो। गुरु जी ले आए रस्सियाँ? अब सेठ जी के और पंडित जी के दोनों के हाथ बांध। क्या बात करें गुरु जी, मैंने नमक खाया, रस्सी कैसे बांधूंगा इनको? रामो नहीं नहीं रामू ठीक है ठीक है, जैसा ये बोल रहे गुरु जी वैसे बांधो। पर हाँ हाँ आ जाओ। अरे रामू थोड़ा दिख रहे पंडित जी। हाँ जी। अब आप सेठ जी के हाथ खोल दीजिए। How can I do that, गुरुजी? My hands are tied too. हाँ, अब आप मेरी बात समझ गए। No human being can liberate another human being as we are tied up with our karma bandhans or bondages. We are bound by our karmas. No individual can liberate another individual. So, Guruji, आप ये बताइए, then how can we liberate ourselves and where to go for that? For true answers to all these questions, go to Brahma Kumari Center, Milpitas. इनकी रस्सियां खोल दीजिए। खोल दे भाई, खोल। रामू पहले मेरी खोलो, सैलरी मेरी लेता है।